हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। मैं आपको बोर्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, KIIT यूनिवर्सिटी के बारे में, कि ये किस तरीके से क्या करनी पड़ती है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अप्लाई किस तरीके से की जाएगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस होते हैं। ओके, आपकी एज लिमिट कितनी है अप्लाई करने के लिए, कितना स्कोर कार्ड वैलिड होगा अप्लाई कर सकते हैं, तब क्या क्या सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस के साथ सब कुछ बताऊंगा। मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल अपना क्या है KIIT के रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है कि किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है KIIT यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको KIIT यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो आपको सर्च करनी है, जैसे सर्च करते हैं यहाँ पर आपको नीचे आनी है, और मैंने वैसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर आप क्लिक कर लेने होंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप इस पेज पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इस पेज पर ओपन होते ही यहाँ पर आप देखेंगे KIIT 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा कि डेट, सिलेबिलिटी क्या, पैटर्न्स क्या, सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करने के सामने आपके फॉर्म में आपका नाम क्या, आपका ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेना, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से स्टेट से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी सिटी क्या है, कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन, फिर गेट फ्री काउंसलिंग पर कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आता रहेंगे, तो गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना ना भूले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या बताया गया है कि इसका जो है यहाँ पर बताया गया एडमिशन प्रोसीजर है, ऑर्गेनाइज बाय द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होती है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, और ये देखा था कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो शॉर्ट एंड शॉर्ट नाम में, जो शॉर्ट नेम में इसको बनाया गया है KIIT, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है। और ये देखे थे कि क्या बताया गया कि अप्लीकेंट विल एबल टू फाइंड कलिंगा इंस्टीट्यूट, यहाँ पर अप्लीकेबल हैं वो, तो यहाँ पर लोकेटेड इन भुवनेश्वर ओडिशा में है, और ये देख सकते हैं एडमिशन टू द अप्लीकेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कंडक्टेड और देयर ओन इंटरेस्टेड्स यहाँ पर होते हैं KIIE मैनेजमेंट एग्ज़ाम इन द जनवरी में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बताया गया कि आपको एग्ज़ाम देंगे, तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होते हैं वेरियस UGPG एंड रिसर्च कोर्सेस एंड BTech, MTech, BBA, MBA, BCA, MCA, ये सारे कोर्सेस आपको जो यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एडमिशन प्रोसेस हैं, एडमिशन प्रोसेस से लिए बताता हूँ मैं आपको क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट डेट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, रिजल्ट कैसे चेक करना है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा, सिलेबस, काउंसलिंग, सब कुछ। चलिए, तो यहाँ पर पहले आपको कोर्सेज ऑफर की कोर्सेज देख सकते हैं, यहाँ पर कोर्स आपको ऑफर्ड है तो अपना कोर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KIIT की यूनिवर्सिटी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट है और 22 डेट्स है कुछ, तो यहाँ पर इवेंट देख सकते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल कभी होगा, ये देख सकते हैं नवंबर में होगा, ठीक है। यहाँ पर सबमिशन जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबमिशन डेट यहाँ पर जनवरी में होगा, और अवेलेबल कभी होगा आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जनवरी में होगा, फिर इंटरेस्ट एग्जाम यहाँ पर देखिए KIIT का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट एग्जाम जनवरी में होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर की भी इस तरीके से होता है कि आपको बहुत ही सिंपल है, अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देखे थे कि KIIT यूनिवर्सिटी का अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताता हूँ। उससे पहले आपको मैं गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि देश के टॉप 7th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है, तो आपको जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई जरूर कर लेना है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोइंका, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानवरचना यूनिवर्सिटीज़, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, UPSC यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। अप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये कहाँ पर मिलेगा अप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन मोड से आपको मिलेगा जहाँ से आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ओके, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो उसमें आपको कहाँ पे मिलेगा, KIIT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दी जाएगी, वहाँ से आपको जो है फिल करने होंगे, क्या क्या फिल करने हैं, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रेजिडेंशियल डिटेल्स, और भी सारे डिटेल्स इसमें फिल करनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर KIIT की यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ पर
वहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपलोड करने पड़ते हैं फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज के होते हैं और सिग्नेचर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड के थंबप्रिंट होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के फीस लगते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं। 1,250 रुपीज़ यहाँ पर क्या है एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, पेमेंट ऑफ दी ओके कैन बी डन, आप ऑफलाइन मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से करेंगे तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी पैटर्न क्रिटेरिया की तरफ। तो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए अगर आप PhD कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखे थे केसेस के लिए कितना जरूरत है, यहाँ पर हैव आपको कंप्लीटेड कितना होना चाहिए, ME या फिर MTech या फिर MBA या फिर MCA या फिर MA या फिर MSc या फिर MCOM या फिर LLM, ठीक है, ये बोर्ड्स आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। और जो भी जिसका भी कंप्लीटेड है BE BTech डिग्री फ्रॉम बोर्ड से इंस्टीट्यूट्स और इंस्टीट्यूट गेट टू एडमिशन इंस्टीट्यूट टू गेट द एडमिशन इन इंस्टीट्यूट, तो उनको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स यहाँ पर देखे थे कि 55% मार्क्स है यहाँ पर और 60% मार्क्स यहाँ पर जो है, मतलब उसके बीच में आपको जो लाने मार्क्स। स्कोर कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए गेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और सिलेक्शन क्रिटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन अप्लीकेंट एडमिशन बेस्ड ऑन दी अप्लीकेंट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड रहता है, रिटन टेस्ट फॉलो बाय द इंटरव्यू राउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स PDF के लिए यहाँ पर है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए 60% चाहिए, सिलेक्शन जो है क्रिटेरिया यहाँ पर जो किस तरीके से क्या होगा, तो आपको सेलेक्ट करिएगा मेरिट लिस्ट पे प्रिपेयर बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट परफॉर्मेंस के ऊपर है। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपको जो है सब कुछ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से सारे कोर्सेज के लिए बताएगा बहुत सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक जो भी आपको जिसमें भी आपको सेलेक्ट करना है उसमें आपको एक एक पढ़ने होंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो देख सकते हैं, और यहाँ पे पैटर्न्स वो देख सकते हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ाम का यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आपका कंप्यूटर बेस पे होगा, और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर्स का होगा। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे आपको। टोटल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 480 मार्क्स के लिए यहाँ पर है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम यहाँ पर देखते हैं, अगर आपका करेक्ट रहा तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मार्क्स आपको मिलेगा। BTech के लिए भी आर्किटेक्चर के लिए साइंस यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स के लिए, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने हैं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे यहाँ पर हॉस्पिटलिटी का है, BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग इंग्रीग्रेड PhD कोर्स के लिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट का यहाँ पर देख सकते हैं, तो मेरिट लिस्ट का यहाँ पर बताएगा यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 का यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि IT के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी, जहाँ से अपना जो है चेक कर पाएंगे आपका कि आपने परफॉर्मेंस कितना लाया, तो जिसका भी नाम उसे मेंशन किया रहेगा वो वहाँ पर रजिस्टर्ड रहेंगे तो वहाँ पर वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर काउंसलिंग सीजन का जो है रिलीज़ कर दी जाती है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपको चेक करने मिलेगा, KIIT ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर पाएंगे, अवेलेबल वहीं पर रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं से आपको जो है पार्टिसिपेट सारी चीज़ें करनी रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है फॉर दी वेरिफिकेशन के लिए, 10th के और 12th के मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, डोमेसा सर्टिफिकेट और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट और कोई आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो, और आइडेंटिफाई प्रूफ पासपोर्ट साइट के सारे सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे। तो इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट होता है जो भी मैंने बताया आपको, कुछ भी किसी चीज़ में भी टॉपिक्स पर डाउट हो सकता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।